हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं आपके लास्ट वीडियो के डाउट्स जो आपने पूछे थे मेरे से प्रीवियस क्यूने वीडियो में। तो आज मैं जितने भी क्वेश्चन उनके आंसर करने वाला हूं, और अगर आज के आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी सेशन हो, कोई भी एडवाइस हो, तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में लिख देना इस वीडियो के, ठीक है। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं, लास्ट वीडियो में जो कमेंट आया हुआ है बॉबी सिंह का। सो बॉबी लिखते हैं, सर रियली यू आर द बेस्ट इकोनॉमिक्स टीचर इन इंडिया। तो बॉबी थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, कोशिश करूंगा ऐसे ही मैं आपके लिए और बेस्ट टीचर बनता रहूं, मींस आपको और अच्छे से पढ़ा पाऊं। आकाश घोष लिखते हैं, फर्स्ट व्यू एंड फर्स्ट कमेंट। तो आकाश घोष ऐसे ही जुड़े रहिए हमेशा के लिए और पढ़ते रहिए और नंबर भी लाते रहिए, ठीक है। स्वीकृति लिखते हैं, सर योर ऑल द वीडियोस आर ऑसम, सर यू आर द ग्रेट टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, योर वीडियो आर वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो स्वीकृति ऐसे ही पढ़ते रहिए, और ऐसे ही ध्यान रखना पढ़ने के साथ साथ आपको उसको कन्वर्ट करना है मार्क्स के अंदर भी, ठीक है। तो आपका रिजल्ट ही बनना चाहिए, जब रिजल्ट आए तो ऐसे ही आप एक कमेंट और प्यारा सा छोड़ेंगे कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं और मैंने इतना स्कोर किया है, ठीक है। ओके, अभी बॉय लिखते हैं, सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन पार्टनरशिप होल चैप्टर्स। तो अभी बॉय आपको बताना चाहूँगा, मैंने पार्टनरशिप के 9 या 10 पार्ट बना रखे हैं, तब भी अलग से आपको बताना चाहूँगा पार्टनरशिप की अब अलग से एक नई वीडियो बनेगी। देखो कब से, मे बी एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते में चालू हो जाए, लेकिन वो दूसरे चैनल पर आएगी जो कि होगा IIT अकाउंट्स क्लास के नाम से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे चैनलों के लिंक दे दूंगा जिसमें मैं इकोनॉमिक्स अकाउंट और BST को सेपरेट करने जा रहा हूँ, ताकि आपको ढूंढने में भी आसानी हो और मेरे को बनाने में भी आसानी हो, ठीक है। स्वीकृति लिखते हैं, विषय सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑफ नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स। तो स्वीकृति आप ये बता दीजिए कि आपको हिंदी मीडियम की पूछ रहे हैं इंग्लिश मीडियम का, क्योंकि जो मैंने एक गड़बड़ करी है वो ये है कि जो न्यूमेरिकल बना रखे हैं वो इंग्लिश मीडियम एक्सप्लेन करे हुए हैं, और मुझे लगता है कि एक हिंदी मीडियम की वीडियो भी होनी चाहिए जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि नेशनल इनकम क्या है और उसे कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, स्वीकृति ने दोबारा से पूछा है, सॉरी ऊपर टेक्निकल सॉन्ग ने पूछा है, सर एक्सप्लेनिंग नाइस एक्सप्लेनिंग। तो थैंक यू डियर स्वीकृति। दोबारा लिखते हैं, सर व्हाट इज़ अ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो स्वीकृति एक्चुअली क्या है, 1960 से पहले जब हमारा ये 2 बार वॉर हो गई, 1962 में चाइना से हुई और 1965 में पाकिस्तान से हुई। तो दोनों वॉर के बाद जो इंडिया की हालत थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी, मतलब अदर कंट्री की तो हुई थी जिनसे वॉर हुई थी, लेकिन इंडिया में भी अकाल पड़ गया था, हमारे पास फूड ग्रेन की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। तो हमने क्या करा, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर को नए तरह के बीजों का, नई तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया एग्रीकल्चर में, जिससे हमारा प्रोडक्शन पहले की तुलना में क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, जिसको नाम गया ये एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन नाम जो बढ़ा उसको नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, हिंदी में कहा गया हरित क्रांति। ओके, गगन लिखते हैं, हेलो सर प्लीज़ 12 प्लस 2 की मैथ ABC मॉडर्न। तो गगन अभी मैथ के लिए कोई हाल फिलहाल टीचर नहीं है, तो अभी तो नहीं हो पाएगा जगह, लेकिन जैसे ही होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा बाय द वीडियो, ठीक है। शिवानी लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, अकाउंट्स मुझे सिर्फ आपसे समझ आता है, थैंक यू सर। तो बहुत अच्छी बात है शिवानी, ऐसे ही पढ़ते रहिए और औरों की हेल्प भी करते रहिए, ठीक है। ओके, PR राज सिन्हा लिखते हैं, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, प्लीज़ एक्सप्लेन इट। तो राज सिन्हा बताना चाहूँगा, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है और मैनेजमेंट एक साइंस भी है, पार्शियली नॉट परफेक्टली, जिसका मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके अंदर, मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, जिसमें आप बिजनेस की वीडियो पढ़ी होगी, आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्यों है, मैनेजमेंट एज अ साइंस क्यों है, बस मैनेजमेंट एज अ परफेक्टली या कह लो प्रोफेशन नहीं कहा जाता। तो ये मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। बॉबी लिखते हैं, सर आपकी एक हेल्प से मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है इकोनॉमिक्स में, वंस अगेन थैंक्स सर, मेरे 40 में से 36 मार्क्स आए हैं, बस सर्कुलर फ्लो इनकम ढंग से समझ नहीं आया, वो 4 मार्क्स का रह गया जो गलत हो गया। तो ठीक है बॉबी, मैं कोशिश करूंगा कि सर्कुलर फ्लो को आपको और अच्छे समझा पाऊँ, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना पाऊँ, या जब एक रिवाइज वीडियो बनाई जाएगी तो उसमें सर्कुलर फ्लो को दोबारा से रिवाइज करा दूँ। ओके, शंभू यादव लिखते हैं, सर नेशनल इनकम में रियल GDP और नॉर्मल GDP टॉपिक है, और GDP एंड वेलफेयर भी है, प्लीज़ एक्सप्लेन, कुछ और टॉपिक भी हैं। और शंभू एक बार चेक करना, मैंने ये वीडियो नेशनल इनकम के 5 चैप्टर 3rd में बनाए हैं नहीं बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता देना नहीं बनाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, रियल GDP और नॉर्मल GDP में डिफरेंस, और साथ ही कि GDP एज अ वेलफेयर नहीं है, क्यों बताना है आपको, ठीक है। 6 में 6 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन है, अगर नहीं किया तो मुझे बताना, एक बार मैं भी चेक कर लूँगा। ऋतु यादव लिखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हिंदी मीडियम में अलग से वीडियो बना दीजिए बिना इंग्लिश मीडियम के सर। तो ऋतु यादव मैं बताना चाहूँगा, अब हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की वीडियो ही आएंगी, बट इस चैनल पे नहीं आएंगी, मीन्स इस चैनल पे जो वीडियो पड़ी हुई है वो इकोनॉमिक्स का मैं एक अलग से हाल फिलहाल कुछ दिनों में चैनल बनाने वाला हूँ,
क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मिक्स हो जा रही है सारी वीडियो, कई सारी अननेसेसरी नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच रही है, तो मैं चाहता हूँ ओनली वही नोटिफिकेशन पहुँचे जो आपके काम की हो। तो इकोनॉमिक्स अकाउंट बीएसटी के लिए अलग अलग चैनल होंगे और उन्हीं पर उन्हीं सेपरेट सब्जेक्ट की वीडियो आएगी, ठीक है। और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस या अदर सब्जेक्ट की चलती रहेगी, अभी तो हाल फिलहाल यहीं पर आ रहा है, बता दूंगा मैं आपको। उसके बाद देखते हैं धीरेन्द्र तिवारी सर, बीकॉम फर्स्ट ईयर की फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो बनाते हैं क्या? तो बीकॉम में एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पर है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट है मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं अभी जो यहाँ से करा रहा हूँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस और सोल के और नॉन कॉलेजिएट का करा रहा हूँ। तो अगर आपको लगता है और दूसरा कोई है तो मुझे एक बार इंडेक्स सेंड करने की कोशिश करेंगे फेसबुक पर, तो मैं देख लूँगा, ठीक है। संजय लिखते हैं सर प्लीज़ 12th की बिजनेस हिंदी सीरीज़ बना दो, ओके। शिवम गुप्ता लिखते हैं सर बीएसटी के लेक्चर रिकॉर्डेड कर दीजिए हिंदी मीडियम है, प्लीज़ रिप्लाई सर, ओके। शिवम गुप्ता हिंदी के लिए बोल रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी के लेक्चर पहले प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। हाल फिलहाल में बिज़नेस की वीडियो अलग सेपरेट चैनल पे आने वाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर जाके, और बाकी जो आगे की वीडियो है वो जल्दी आ जाएंगी, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ओके। हर्ष लिखते हैं अगर हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो उसका मतलब यह है कि बोर्ड में भी मार्क्स अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है हर्ष कौशिक, ऐसा कोई मिथ नहीं है, ऐसी कोई सोच नहीं है कि फर्स्ट टर्म में अगर बिगड़ गया है तो फाइनल में नहीं आएगा। बस ये होता है फर्स्ट टर्म अगर आपका अच्छा जाता तो आपकी ये हो जाता, आपने कुछ प्रिपरेशन पहले से कर लिया, अभी कुछ ही प्रिपरेशन आपको आगे के लिए करनी है, बट अगर बिगड़ गया है तो बस आपको थोड़ी सी मेहनत की और ज़्यादा जरूरत है, और आप फाइनल टर्म में या प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और ला सकते हैं। रिया डेला लिखते हैं सर डी यू नॉन कॉलेज से सेमेस्टर वन का सिलेबस सब्जेक्ट क्या है बताइए। रिया डेला 1 अक्टूबर से इनका सिलेबस, साथ के साथ इसके चैप्टर्स आएंगे, लेकिन वो अकाउंट के वीडियो पे आएंगे, आईटी अकाउंट क्लास पे आएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब से जो अकाउंट्स की वीडियो आएंगी बीकॉम की वो उसी चैनल पर आएंगी, ओके। टैग विद देव लिखते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, प्लीज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास लेवन कुछ हिंदी में भी बना दो, ओके टैग। अब मैं कोशिश करूंगा हिंदी मीडियम का पहले सिलेबस आपके लिए सारा रेडी करके रखूं, ठीक है। सर आप कब वीडियो, अंशिका ने लिखा आप कब वीडियो डालेंगे, तो अंशिका अभी मैंने 3-4 दिन से कई सारी वीडियो नहीं बना पाई, कारण क्या था मेरी तबीयत खराब चली थी, आज जाके मैं दोबारा से वीडियो बनाने वाला हूँ क्लास 11th के ऊपर और 12th के ऊपर, और ये मैंने कहा एक डाउट वीडियो भी ले लेता हूँ जो बच्चों ने पूछे थे लास्ट क्लास में, तो वो भी बताता हूँ, ओके। एक इंपॉर्टेंट लोग हैं यहाँ पर प्रिंस टूरिस्ट के नाम से, उन्होंने सबसे पहले तो एब्यूज़ लिखी, ठीक है, उसके बाद गाली देने के बाद कहते हैं क्या लिखते हैं एब्यूज़ वाला कमेंट तो मैंने डिलीट कर दिया, पैसे चाहिए तो पैसे भी ले लो लेकिन वीडियो डाल दो, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहली बात भाई मैं वीडियो डालूँ नहीं डालूँ, ठीक है, एक्चुअली मैं आपसे बिल्कुल बधा तो वो हूँ नहीं, मेरी कोशिश ये करती कि मैं अपने पार्ट टाइम में कोशिश करके टाइम निकाल कर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने अगर आपसे पैसे ले रखे हैं और काम नहीं करा तब आपको गाली देने का हक है, ठीक है, नहीं तो आप इतने बड़े नहीं हो गए, आपके घर के संस्कार ऐसे हैं कि आप गाली लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा तमीज में रहें तो तमीज के साथ रहेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ना ना, और भी चैनल है भाई वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। अच्छा रिलेशन बना के रखोगे अच्छी बात होगी, बुरा रिलेशन बना के रखोगे बुरी बात होगी, ठीक है। तो मैंने अभी तक किसी को एक्स्ट्रा बोलता नहीं तो इसलिए एक्स्ट्रा सुनूंगा भी नहीं, तमीज में पढ़ना हो पढ़ें, बिल्कुल जो काम हो वो लिख के सेशन वीडियो में डाल दें, लेकिन फालतू में गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोहम्मद आरिफ लिखते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर अकाउंट की वीडियो भी लिया सर फाइनल अकाउंट की, मोहम्मद आरिफ बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनल अकाउंट की वीडियो 1 अक्टूबर से चालू होगी, वो भी सेपरेट चैनल पे, जो कि है IIT अकाउंट्स क्लासेस रन बाय रवि केशव, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। सर बिजनेस स्टडी की भी वीडियो बना दो, प्रीति बता दिया बिजनेस स्टडी की वीडियो अब आएंगी दूसरे चैनल पे, ठीक है। गंधर्व ने लिखा है इकोनॉमिक्स क्लास 12th ऑलरेडी बना रखा है, कोई रह गया तो बता दो, चैप्टर 3 का इकोनॉमिक्स में चैप्टर 12 का क्लास 12th का चैप्टर 3 है, तो मुझे बता दो ये कौन सा है, नाम लिख दो एक बार मैं देख लूँगा, नोट्स अभी रेडी नहीं है लेकिन डियर, ठीक है। बस हाल फिलहाल ये सारे कई सारे क्वेश्चन थे जो मैंने लिए थे, और एक प्रिंट टूरिस्ट जी आपको समझा दिया, थोड़ा तमीज़ में लिखे नेक्स्ट टाइम, नहीं तो दूसरे कोई बदतमीजी में उतरता है तो आपको ज़्यादा बुरी लगेगी, ठीक है, गाली कोई लैंग्वेज नहीं है, ओके। अगर आप बाकी जो लोगों के कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ इस कमेंट बॉक्स में लिख देना,
ठीक है। साथ ही आपको मैं बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स अकाउंट और बीएसटी के लिए सेपरेट चैनल होने वाले हैं, जिस पर वीडियो मैं ही बनाऊंगा, बट तीनों चैनल पे अलग अलग आएगी। कोशिश करूँगा हिंदी मीडियम को पहले ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट अवेलेबल है मार्केट में या कह लीजिए यूट्यूब पर, बट हिंदी मीडियम में कंटेंट बहुत ही कम है, तो मैं पहले कोशिश करूँगा कि उसका बनाऊँ, ठीक है। और रही बात साथ ही दूसरी टॉपिक की, कि अगर आपको कुछ और डाउट एंड सेशन लगता है तो इस वीडियो के कमेंट में लिख देना। जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे जुड़ा रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।